जब 5 साल की थी तब बिलाल पैदा हो गया था, तो फिर ऐसा था कि बिलाल का अम्मी ख्याल रखती थी, तो ये छोटी ही, तो फिर इससे जरूरत थी तो अपने लोग पूछते तुम्हें आमना क्यों पसंद है, बताऊँ क्यों पसंद है, क्योंकि आमना अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और जिन लोगों को अच्छा ही लग रहा, तो मुझे तो लगता है उनका मोबाइल में कुछ खराबी है, क्योंकि 2000 years later सब लोग कैसे हैं, सब लोग हैरे से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसा है कि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि सब बहुत ज्यादा ना बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इस वजह से ना टाइम भी नहीं मिलता और स्टोरी बनाने का, तो आज मैं फ्री हुई, मैंने सोचा स्टोरी बना लेती हूँ, आज घर के काम शाम करके सारे मैं फारिग हो चुकी थी, सोचा मैंने स्टोरी बनाऊँ। तो यहाँ देखें जी, गर्मी आ चुकी है और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और पंखे फुल लगे हुए हैं, एसी भी लग चुके हुए हैं, लेकिन ये जो हमारे साहिब अब्दुल्ला है ना, ये पंखे के आगे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लगती है, इनको गर्मी लगती है। हाँ जी अब्दुल्ला, हेलो कह दो सबको, इंस्टा फैमिली, हाय इंस्टा फैमिली, मैं अब्दुल्ला है, माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, तो बस बच्चों को लेके बैठे हुए हैं और ये मैडम जो है ना, ये यहाँ पे हैं, हाय कर दो, आयत आए, देख अपने मोबाइल के साथ मस्त रहती हैं, बस चिप्स वगैरह दे दो और बस ये मोबाइल के साथ, और ये जो है ना सवाल हमारे प्यारे से अब्दुल्ला, ये मम्मा के साथ रहते हैं, तो पारा लग रहा है माशाल्लाह मेरा बच्चा। मैं ना यहाँ से हटी हूँ स्टोरी बना के, और मैंने पलट के देखा और मैडम ने ये देखें जी, सारा ये बॉक्स है ना ये खाली करके ना जमीन पे सारा क्या कहते हैं फैला दिया, और अभी 10 मिनट पहले हेल्पर ने ना यहाँ पे बॉक्स में डाले थे, अभी ये खेल रही थी पहले आधा घंटा पहले, उसके बाद साथ इसको फिर सूझा कि मैंने नहीं मैंने खेलना है। आपको अच्छा लगता है, आप इतने क्यूट क्यों हो, इतने क्यूट क्यों हो, मैं भाई नकल कर रही है मेरी, तो बस इस बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, बच्चों वाले घर में यही हाल होता है। यहाँ देखें जी, मैं ना भुट्टे तैयार कर रही हूँ, ये देखें जल रहे हैं, और एक तरफ बन गए हैं हमारे पॉपकॉर्न। 2000 years later कि ये मेरी तीसरी माँ है, मतलब छोटी माँ सबसे, और हैप्पी मदर्स डे, आपको अच्छा लगा मेरा गिफ्ट जो मैंने आपको दिया? बहुत अच्छा, और मैंने तुमसे पूछ के लिया कि मेरे सूट करेगा बहुत सूट करेगा इंशाल्लाह, अपने पहन भी लिया, आपको बहुत ज्यादा जच रहा है। तो जब सामना 10 साल की हुई थी ना, तब से उसने अम्मी से ज्यादा मतलब मेरे साथ टाइम स्पेंड किया था, बिलाल पैदा हो गया, बिलाल 10 साल की नहीं थी, 5 साल की थी, अच्छा, जब 5 साल की थी, जब 5 साल की थी तब बिलाल पैदा हो गया था, तो फिर ऐसा था कि बिलाल का अम्मी ख्याल रखती थी, तो ये छोटी ही, तो फिर इससे जरूरत थी, तो फिर मैं इसका ख्याल रखती थी, हाँ जी, और उस वक्त से लेके अब तक रख रही हूँ। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे परवरिश की और मुझे अच्छा बुरा सब कुछ सिखाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसलिए माँ का मतलब दर्जा मैं ज्यादा मोटिवेट करती हूँ आमना, और कुछ नहीं करती तो मैं बहुत अंदर की आमना को जगाती है, जिसके अंदर टैलेंट है, जो छुपा के रखा था उसने, वो मैं कहती हूँ आमना का बाहर है, क्योंकि मैं देखती हूँ उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है जो मेरे में नहीं है, उसने है। तो मेरे अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई है नहीं ऐसा जो मेरे अंदर से निकाले, पर मतलब तुम्हें अल्लाह और ज्यादा सक्सेस दे, और तुम इसी तरह सबकी रिस्पेक्ट करो, मतलब कभी अपने आप को चेंज ना करना, बड़ों की जो तुम रिस्पेक्ट करती हो ना, तो तुम हमेशा ऐसे करती ना, मुझे अपने लोग पूछते तुम्हें आमना क्यों पसंद है, बताऊँ क्यों पसंद है, क्योंकि आमना अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती है, अम्मी अबू वगैरह की तो करती थी ना, मेरी भी करती है, मेरे मतलब ध्यान हो के भी इतना भी फर्क नहीं है, फिर भी वो मेरी ऐसे रिस्पेक्ट करती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी इतना कोई नहीं करता जितनी मेरी आमना रिस्पेक्ट करती है, इसलिए मेरी आमना मेरी फेवरेट सिस्टर है। ठीक चले जी, हैप्पी मदर्स डे। अस्सलाम वालेकुम, तो ऐसा है कि सुबह मैंने ना मॉर्निंग की स्टोरी लगाई है इस टी पॉट की, तो सब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये टी पॉट आपने कहाँ से लिया है, तो ये ग्लास टी पॉट है और ये मैंने ऑर्डर किया था दराज डॉट पीके से, तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, जिस जिसने लेना है तो मुझे मतलब डीएम करें और मैं बता दूंगी, बहुत ही कमाल का, और चाय ना बहुत मज़े की बनी है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था, मुझे पसंद आया, मैंने कहा ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा है, और चाय बनती हुई ना बहुत ही प्यारी लगती है इसमें, ऐसा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि पसीने छूट रहे हैं, किचन वाली वूमेन जो होती है ना खाना पकाती है, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या बन रहा है। आज खाने में हम बना रहे हैं हलीम, ये देखें जी, ये मैं कौरमा बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने दालों को बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है, तो किस किस को हलीम पसंद है मुझे बताएं ज़रा, हलीम करके। तो इस टाइम हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि लेट उठते हैं तो इसी टाइम करते हैं, और मरियम मेरे साथ है, और मरियम क्योंकि रात को लेट सोए थे, और मरियम भी मेरे साथ कर रही है, और मरियम की डाइट स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें मरियम भी ब्राउन ब्रेड स्टार्ट कर दी है ना, मरियम डाइट स्टार्ट होती है,
तो बहुत जल्द मरियम भी आपको फिट नजर आने वाली है। बस मैंने एक वीडियो बनाई है जो YouTube पर मैंने अपलोड की अपने न्यू मोबाइल से, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ, वहां जाके देखें और बताएं कि मोबाइल का रिजल्ट कैसा है। तो बहुत से लोगों ने तो कहा है जबरदस्त रिजल्ट है, और जिन लोगों को अच्छा ही लग रहा तो मुझे तो लगता है उनका मोबाइल में कुछ खराबी है, क्योंकि सैमसंग S24 का रिजल्ट तो कमाल का।